Hey guys, what's up? This is AJ and today in this video, we are going to talk about Shipping Corporation of India. So, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कैसे आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और क्या क्या आपको प्रोसीजर इसका होता है, ठीक है, और कौन कौन से स्टेप आपको करने हैं और जिससे आप इसके लिए एंट्री के लिए एलिजिबल हो सके। तो सबसे पहले हम बात कर ले, इसमें दो मेन स्टेप है। एक होता है SCI MTI का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको भरना है, उसके साथ आपको कुछ स्कैन डॉक्यूमेंट्स मेल करने होते हैं, ठीक है। और जो दूसरा है वो है IMUCT आपको अटेंड करना होगा, जो कि अब होने वाला है आपके इंटरमीडिएट के नंबर से। तो ये दोनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बता दो, ये दोनों अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। SCI MTI का जो आपका फॉर्म अलग है और IMUCT अलग है, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बहुत सिंपल है, जैसे कि IMUCT की है मेनली वैसे ही है। सो आपके PCM में मिनिमम 60% होनी चाहिए, आपके इंग्लिश में मिनिमम 50% होनी चाहिए। और इसमें बात कर दूं, इसमें मेनली DNS के लिए है, ठीक है। जो ये पूरा कोर्स है वो DNS का है। तो इसमें जो कोर्स फीस है वो है आपकी 6,50,000 और जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो है 12 months। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, आपने IMU के लिए बिल्कुल पहले से रजिस्टर कर दिया होगा और उसकी डेट भी अब एक्सटेंड हो चुकी है, आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले एक अच्छी चीज बता दूं, इसमें कोई आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फीस पे नहीं करनी है, ठीक है, ये अच्छी बात है। तो अब मैं स्टेप टू स्टेप वाइज आपको बताऊंगा PC में कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। बहुत आसान फॉर्म है, मतलब इसमें आपको कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है, कोई ऐसा कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। आप घर में भर सकते हो, घर में कैसे भर सकते हो, अदरवाइज क्या कर सकते हो, तो आपने मोबाइल से तक भर सकते हो। मोबाइल में क्या करो, गूगल, जो आपका गूगल होता है ना, गूगल क्रोम, उसमें आपका एक ऑप्शन होता है डेस्कटॉप साइट, तो उसको क्लिक कर दो और जस्ट आप इसे आसानी से भर सकते हो, ठीक है। तो स्टेप टू स्टेप वाइज अब मैं बताने वाला हूं कि आप कैसे इसे PC में भर सकते हो। सो हे गाइस, आज हम भरने वाले हैं SCI MTI का एप्लीकेशन फॉर्म। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसको भरने का प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले आपको अपने जो PC में है वो गूगल क्रोम खोलना है, उसमें आपको गूगल में जाना है और वहाँ पे आप लिख दो SCI फॉर्म स्पॉन्सरशिप 2020 DNS। तो जैसे मैं उस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास कुछ लिंक आ जाएंगी। तो ये देख सकते हो आप, पहली वाली DNS leading to BSc Nautical Science SCI, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। और जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर एक पेज खुल जाता है और आप देख सकते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है, अगर आपको पढ़ना है तो आप उसे पढ़ सकते हो। क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, मेडिकल स्टैंडर्ड, ऑनबोर्ड ट्रेनिंग, रिफंड पॉलिसी, ये सारे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और नीचे में आपको ये कुछ भेजने होते हैं स्कैन डॉक्यूमेंट, सेव आप देख सकते हो। लेकिन अभी हम यहाँ पर फॉर्म भरने आए हुए हैं तो हम फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पर आप जब ऊपर करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाई फॉर एट IMU, अप्लाई एट MTI। तो इसमें यू नो दोनों का देखना होता है, इसमें आपको जो MTI का फॉर्म है SCI MTI इसका फॉर्म भी भरना होता है, अप्लाई फॉर IMU का, मतलब IMU का फॉर्म भी आपको भरना होता है। तो अभी हम भरने वाले हैं MTI का फॉर्म, ठीक है। तो जैसे हम अप्लाई फॉर MTI क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास खुल जाएगा DNS का एप्लीकेशन फॉर्म जो SCI का है, और आप देख सकते हो पर्सनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना IMU रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और फिर आप क्या, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिर आपका फर्स्ट नेम हो गया, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तो ये तो आसान आसान है सारे। जेंडर हो गया आपका, मैरिटल स्टेटस हो गया, और कोर्स यहाँ पर आपका हो गया DNS ही हो गया, लीडिंग टू BSc नॉटिकल साइंस। कैटेगरी आपकी हो गई, ठीक है, सिटी, टाउन जहाँ आप रहते हो, स्टेट, एड्रेस, पिन कोड वहाँ का, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अल्टरनेट ईमेल आईडी, ठीक है। और उसके बाद आपको ये देखना है आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, इसमें भी थोड़ा आपको डालना होगा, 10th का बोर्ड का हो गया, ठीक है। और अगर 12th पे आप क्लिक करते हो तो आपका 12th का अलग से आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप BSc कर रहे हो तो यहाँ पर उसकी अलग से कॉलम है, उसमें भी आप भर सकते हो। अदर इंफॉर्मेशन में आपको ये देख दिया बताना होगा कि अगर आपने पहले IMU दिया है तो आप उस पर यस पे क्लिक कर दो। फिर आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना होगा, आधार कार्ड हो गया,
और वर्क एक्सपीरियंस अगर है आपको तो आप भर सकते हो, वैसे में नहीं है तो छोड़ देना। फिर आपको लास्ट में ये करना है, डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और अप्लाई एट MTI पे कर देना है। ठीक है, मैंने तो अभी भरा नहीं है। तो आपने देखा इसका प्रोसीजर बहुत सरल है, बहुत ऐसा कुछ नहीं है, कोई यू नो इसमें कोई डिफिकल्टी है, सिंपल सिंपल चीज़ें पूछी गई हैं जो आप खुद से भर सकते हो। अगर आपने ये फॉर्म अब भर लिया है तो आपको इसके साथ कुछ जो अटैच्ड यू नो लाइक डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेजने होंगे मेल्स के द्वारा। इसमें आपको क्या करना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो स्कैन चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपकी होगी 10th की मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट, दूसरा हो गया आपका 12th की मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट, तीसरा हो गया आपका कॉपी ऑफ आईएमयू रजिस्ट्रेशन स्लिप। मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो IMUCET का तो यू नो लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रीव्यू आता है उसको आपको जस्ट स्कैन करके या आप डायरेक्ट उसे सेंड कर सकते हो मेल से। ठीक है, अब चौथा आपको चाहिए स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो और सिग्नेचर आप स्कैन करके मेल करोगे। उसके बाद अगर आप SC ST या OBC हो तो आपको यहाँ पर जरूरत है कास्ट सर्टिफिकेट की, और जो लास्ट वो है कॉलेज और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको जस्ट आपको क्या करना है, स्कैन करना है एंड देन आपको इस मेल पे उसे सेंड कर देना है। तो इसके बहुत इजी स्टेप हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत यू नो डिफिकल्ट स्टेप्स हैं, बहुत आसान स्टेप है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो रिजल्ट आएगा ना वो मेरिट बेस्ड होता है, तो जो आपका MTI का जो फॉर्म आपने भरा है उसके हिसाब से और जो आपका PCM का जो यू नो स्कोर होगा या रैंक होगा उसके हिसाब से आपका लास्ट में रिजल्ट डिक्लेयर होगा।